तो फ्रेंड्स मियां खलीफा, अगर मियां खलीफा के बारे में बात करें तो आप सभी दोस्त, सभी फ्रेंड्स, सभी दोस्त हमारे यही सोचेंगे कि आज कौन मूवीज के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा एकदम नहीं है, मियां खलीफा भी आपकी तरह मेरी तरह एक इंसान ही है। तो आज मियां खलीफा के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। मियां खलीफा के बारे में अगर बात करने से पता चलता है कि मियां खलीफा एक ऐसा नाम जो आज के दिन में पूरे विश्व में, वर्ल्ड में एक एज ए कौन सुपरस्टार फेमस है। तो फ्रेंड्स मियां खलीफा के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आपको एक बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरव्यू इन बीबीसी, उनके एक साक्षात्कार के अनुसार बीबीसी में, वो जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे। तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट एक्सप्लोजर में। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मियां खलीफा के बारे में कि मियां खलीफा पॉर्न इंडस्ट्री में क्यों आई, कैसे आई और क्यों उन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स बात करें मियां खलीफा की, तो मियां खलीफा के आज के डेट में इंस्टाग्राम पे 1.6 करोड़ फॉलोअर्स है और वो पहले एक पॉर्न इंडस्ट्री में, पॉर्न मूवी में काम कर चुकी है। तो फ्रेंड्स बात करें मियां खलीफा के पॉर्न इंडस्ट्री में आने की, तो मियां खलीफा इंडस्ट्री छोड़ने के कगार पर है और शायद छोड़ भी दी होंगी। तो इंडस्ट्री छोड़ने का उनका कारण क्या है, पहले बात करें वो पॉर्न इंडस्ट्री में आई कैसे। तो फ्रेंड्स बात उन दिनों की है जब उनके माता पिता लेबनान से उन्हें अमेरिका ले आए और अमेरिका में उन्होंने स्कूल किया और फ्लोरिडा में उन्होंने अपना कॉलेज पूरा किया, इतिहास में ग्रेजुएशन किया। और नई नई ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें लगा कि मुझे अब नौकरी करना चाहिए, तो वो इधर उधर एज ए न्यू ग्रेजुएटर वो अपना जॉब ढूंढ रही थी। देन ही मेट ए पीपल, वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो उन्हें देखकर कॉम्प्लीमेंट किया, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। फ्रेंड उसके पहले मैं बता दूं कि जब मियां खलीफा ने कॉलेज में एडमिशन लिया उस समय वो बहुत वरी थी अपने वेट के लिए, वो बहुत सोचती थी कि हम बहुत मोटे हैं, तगड़े हैं और आई कैन नॉट अट्रैक्टिव फिगर, आई हैव नॉट एनी अट्रैक्टिव फिगर टू अट्रैक्ट सम पीपल अकॉर्डिंग अबाउट मी। मतलब मैं कुछ आदमी को अट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना बढ़िया बॉडी है ना बढ़िया लुकअप है। तो फ्रेंड्स बात आती है लुकअप पे, उन्होंने लगा कि मेरा लुकअप अच्छा नहीं है एंड आई कैन नॉट अट्रैक्ट एनी मेल। तो फिर उधर से उनको अप्लाई, उनको लगा कि जब वो कॉलेज में गई फ्लोरिडा में, तो उसके बाद उन्हें लगा कि उन्हें अपना वेट कम करना चाहिए एंड देन ही डिसाइडेड टू वेट लॉस। और उन्होंने उन्हें ये भी उन्हें उनको ये भी चाहिए था कि मेरा वेट भी कम हो जाए बट मेरा ब्रेस्ट एज इट इज रहे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना 50 किलो कॉलेज फाइनल करते करते उन्होंने अपना 50 पाउंड वजन कम कर दिया और वो एक बहुत खासा कम वजन था। और फिर उन्होंने अपना वजन कम किया साथ साथ अपने ब्रेस्ट को एज इट इज रखा। तो फिर अब बात आती है नौकरी ढूंढने पे, तो वो निकल जाती है नौकरी ढूंढने। नौकरी ढूंढते ढूंढते उन्हें एक व्यक्ति से मुलाकात होती है और वो उनके तरफ एक कॉम्प्लीमेंट करता है कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड योर बॉडी इज सो गुड, आर यू वॉकिंग टू ए मॉडलिंग, मतलब आपके आप मॉडलिंग करना चाहूंगी, आपका बॉडी बहुत ही सुंदर है। देन ही सेड यू आर सो ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं एंड यू हैव टू डू न्यूड मॉडलिंग एंड दे कम्स इनटू ए ऑफिस। तो फ्रेंड टेक्सास में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मियां खलीफा नौकरी ढूंढती है और उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, वो बोलता है आप मॉडलिंग में करियर अपना करिएगा, मॉडलिंग में आप अच्छी लगोगी और आप बहुत, आपका जो चेहरा है बहुत अट्रैक्टिव है। जो लड़की अपने बचपन से ही अपने माइंडसेट में बिठा कर रखी हो
कि आई एम नॉट अट्रैक्टिव, आई एम लुकिंग नॉट गुड, और उसे कोई अगर कॉम्प्लीमेंट करता है यू आर लुकिंग शू गुड एंड यू आर विलिंग टू वर्क इन फैशन इंडस्ट्री एंड विलिंग टू मॉडलिंग, आप मॉडलिंग करिए, तो देन ही इज बहुत वो उत्साहित होती है और चाहती है कि हमें मॉडलिंग में जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं, वो जाती है फ्लोरिडा में, जो उनका जो जिस व्यक्ति से वो मिली थी उसका ऑफिस फ्लोरिडा में था, और वो फ्लोरिडा में जाती है पहले दिन जाती है और देखती है कि वहां के जो काम करने वाले हैं वो अच्छे हैं और वो मिलनसार भी है। उसके बाद वो पहले दिन जाती है, पेपर वर्क कंप्लीट करती है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि पहले दिन जाने के बाद से ही मियां खलीफा ने पॉर्न वीडियो बनाना शुरू कर दिया, बट नहीं, मियां खलीफा पहले दिन गई, बीबीसी के द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, पहले दिन मैं जब गई तो मुझे सिर्फ पेपर वर्क कराया गया कि आप अपना टर्म एंड कंडीशन, मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ पेपर को सिग्नेचर करवाया गया, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होती है। उसके बाद कराने के बाद वो जब सेकेंड टाइम गई फ्लोरिडा, जो जहाँ वो ऑफिस था, सेकेंड टाइम गई जब फ्लोरिडा, तब उन्होंने पॉर्न वीडियो बनाया। तो फ्रेंड ये थी कहानी पॉर्न इंडस्ट्री में आने के पीछे की। अब चलते हैं छोड़ने का कारण। तो फ्रेंड्स आज से 2-2.5 साल पहले जब फाइनली मियां खलीफा को लगा कि मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूं, और फ्रेंड ये बात बता दो 21 साल की उम्र में उन्होंने जबरदस्ती इस इंडस्ट्री में नहीं आई थी, उनका कहना था कि उस समय मेरा समझ नहीं था अच्छे और बुरे, और पहले बार मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया, देन आई विल एक्सेप्ट इट। ओके चलिए, तो अब क्या था, अब था उनके निकलने की कहानी। तो फ्रेंड्स आज की डेट में मियां खलीफा के इंस्टाग्राम पे 1.6 करोड़ फॉलोअर है। इसके पीछे क्या हुआ था, इसके पीछे जब उनका उन्होंने अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था, तो जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं निकलने वाला हूँ इस इंडस्ट्री से, निकलने वाली हूँ इस इंडस्ट्री से, तो उस समय ISIS ने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया था और उन्होंने 1 साल तक कोई अकाउंट नहीं बनाया, एंड ही विल लॉन्ग एज लॉन्ग वेट फॉर हिज अकाउंट, हर अकाउंट, देन उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद 1 साल बाद उन्हें लगा कि मुझे कमबैक करना चाहिए और एज ए अच्छे क्रिएटर आना चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और अभी आज के डेट में उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे 1.6 करोड़ फॉलोअर्स है। तो यही थिंग थी, उन्हें ISIS से खतरा महसूस हुआ, जो कि एक मुस्लिम कंट्री की लड़की, मुस्लिम लेबनान से आती है और आके अमेरिका में रहती है, अमेरिका में पढ़ाई लिखाई करती है, टेक्सास में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री करती है और फिर अमेरिका में ही फ्लोरिडा में अपना पॉर्न वीडियो बनाती है, उसके बाद निकलना चाहती है, तो जरूर कुछ कट्टरपंथियों का सुविधा होगी। ISIS ने उन्हें धमकी दिया कि आई विल किल यू एंड आई विल ऑब्जेक्ट यू। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे अब निकलना है और वो इंस्टा पर आजकल एक्टिव है। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी मियां खलीफा के पॉर्न इंडस्ट्री में आने और उन्हें निकलने के प्रयासों की। तो फ्रेंड्स ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया और घंटी जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के नए नए फैक्ट्स आते रहते हैं, डिवोशनल, मोटिवेशनल, हिंदुत्व, इस्लामिक और करेंट अफेयर्स एंड मोस्ट पॉपुलर पर्सन, सभी के ऊपर वीडियोस आते रहते हैं, फैक्ट के ऊपर, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, सभी के ऊपर फैक्ट्स आते रहते हैं। तो बेल आइकन को जरूर दबा दें और ऑल पे सेट कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।